हेलो गाइस, सबको राम राम, छोटे बड़ों को। और आज आपको हम बातें करते हुए चलेंगे, जो बहुत सी बातें हैं मन में वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये रहे पगाल साहब, आज हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। और चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं उस चीज के लिए हम आपको बता देते हैं। मानु बीमार हो रही है और वो काफी टाइम से हड़की फुड़की बीमार चल रही थी, बीच में यहाँ पे भी आ चुकी थी वो, लेकिन अब उसका टेस्ट करवाया है तो उसको टाइफाइड हो रहा है। और नेचुरल सी बात, अब हॉस्टल में बच्चे की इतनी केयर नहीं होती, तो अब हम उसके लेने के लिए जा रहे हैं। और आप लोगों से कुछ और भी बातें शेयर करूंगी। मेरे मन में बहुत बार बातें आई हैं कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो आज थोर हमारे साथ नहीं है। ये पीछे देखो, हमारी सीट खाली है, हमारी मटकी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि छोटी बच्ची है और वहाँ पे हमने रुकना नहीं है। जैसे पहले थोर, बड़े वाले थोर को हम साथ लेके जाते थे तो वहाँ पे दीदी रहते हैं, लेकिन आज हम रुक नहीं सकते क्योंकि गुड़िया बीमार है, तो उसको लेके आना है, वापिस लेके आना है। और हमारे यहाँ पे भी बहुत काम है, स्कूल से भी छुट्टी ली है, थोर को भी हमने फार्म पे छोड़ा है। तो हमने इस थोर के साथ क्या किया गया, हम शुरू से इसको फार्म पे लेके जान लग रहे हैं, ताकि हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो तो ये बच्चा सफर ना करे। क्योंकि हम जो पेट लवर है, हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हमने वो ये बच्चे सफर करते हैं, जब हमारे घर पे खुशी का माहौल हो या कोई गम का माहौल हो या कहीं बाहर जाना हो, तो हम भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि इस बात के लिए हम मन करता है बहुत पेट पालने का, पर हम पाल नहीं पाते। क्योंकि हमारे को यही होता है कि हमने पेट को रख लिया, कहीं जाना पड़ गया, कोई रिश्तेदार कैसा मिलता है, कोई कैसे होते हैं, तो सभी जरूरी नहीं है कि सभी पेट को लाइक करे। तो इस चीज के लिए हमने थोर के लिए हम बहुत परेशान हुए थे, कई बार दुखी होते थे, कई रिश्तेदार पसंद करते कई नहीं करते, हमें बड़ा दुख होता, कोई कुत्ता भी कह देता। तो उस चीज के लिए हमने चारों ने ये सोच के हमने हमारा फार्म बढ़ाया था कि जो प्रॉब्लम न फेस करिए ना, वो और पेट लवर खास करके इशार और इशार के आसपास के तो ना करे। इसलिए हमने ये हॉस्टल फैसिलिटीज और ये जो ट्रेनिंग शुरू करी है, क्यों करी है, क्योंकि कई जैसे हमने तो थोर को इतना फैमिलियर बना दिया कि उसने रोटवाइलर में ही अपना नाम ऐसा चमका दिया कि जो रोटवाइलर की जो छवि थी इतनी खराब खूंखार, तो हमारी थोरी ने उस चीज को ही निगलेक्ट कर दिया। वो क्यों, क्योंकि हमने उसकी परवरिश ही ऐसी कर दी कि उस बच्चे को इतना प्यार आप लोगों को और इतना मेरा, और इतने रोटवाइलर मेरे ख्याल में इंडिया में तो बहुत आगे उस बच्चे को देख के। और अब दूसरा थोर है हमारा जो छोटा, वो बिल्कुल अपने पापा की तरह ही उसकी परवरिश हो रही है, वो इतना ही प्यारा वो बच्चा है और वैसे ही हम उसकी परवरिश करने लग रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को जिसको भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप ट्रेनिंग करवाओ। ट्रेनिंग हमारी वीडियो भी डली हुई है, ट्रेनिंग की बड़े वाले थोर की भी डली हुई है। अगर आप लोग यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप वो वीडियो देख लो और कोशिश करो कि ज्यादा नहीं तो 3 महीने की ट्रेनिंग करवा लो आप, ताकि वो पेट आपका अपने बच्चे, जो बच्चा ही हमारा बच्चा, जब हमने बच्चे की तरह पाला है तो हमारा बच्चा ही है। और मेरे को तो मेरे कन्नू मानू में और बड़े थोर में छोटे थोर में कोई फर्क नहीं, ना मेरी हेलो में फर्क था, हेलो भी मेरी इतनी फैमिलियर बिल्ली कहीं नहीं मिली होगी। बिल्ली को कहते हैं कि निष्ठुर होती है, पर मेरी हेलो नहीं थी, हर बॉल पे रिएक्शन देना, प्यार से रहना, कितनी प्यारी बच्ची थी वो। तो अगर आप लोगों का प्यार रहा तो शायद दोबारा से मेरे घर में हेलो भी आ सकती है। तो मेरे को आज आप लोगों को यही बताना था कि जो भी हमारी तरह पेट लवर हैं, वो लोग खास करके इशार के आसपास वाले हॉस्टल के कहीं जाना पड़ जाए, जैसे आज हम रिलैक्स होके जा रहे हैं क्योंकि हमें पता हमारा तो और फ्री है, रिलैक्स है, उसको कोई टेंशन नहीं है। और ना ही हमें टेंशन है कि हमारा बच्चा भूखा है, कि हमारा बच्चा रो रहा होगा, हमारा बच्चा गंदगी में होगा, उसकी प्रॉपर गंदगी केयर खाना हर चीज। और हमारे हॉस्टल के अंदर जैसे आप होटल में जाते हैं अपनी च्वाइस होती है जी मैंने ये चीज़ खानी है, उसी तरह से जैसे आपका पेट जो चीज़ खाता है ना वहाँ पे वही चीज़ें मिलती है। हाँ भाई लो, हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, यानी कि जीरकपुर पहुंच चुके हैं और मानू के नजदीक ही पहुंचने वाले हैं। तो
ये देखो आपको पता चल गया होगा, ये देखो हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ और आपको मानू से मिलने के बाद मानू से मिलाएंगे। और इसी बीच मानू डॉन का फोन भी, मानू ने हमारे पास लोकेशन भेजी है उसके कॉलेज की, अब हम वो लोकेशन खोलेंगे। मानू के कॉलेज में पहुंच गए हैं, कॉलेज तो नहीं दिखाएंगे आपको, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मैं रचित आए हैं बार बार, जितनी बार भी आए हैं रचित और ये आई है। तूने वो तो नहीं बना दिया हमारा अप्रैल फूल तो नहीं बना दिया मार्च में? नहीं बारू 30 मार्च आज का मार्च है बेचारी, मेरा मुंह नहीं दिख रहा उतरा हुआ, वो तो मैं एक्चुअली सुंदर हूँ तो लगती वैसी लगती हूँ अच्छी। चलो फिर मिलते हैं भाई, आगे एक बार भूख ला रही कसुती पेट खा कुछ खा ले। ये पापा अब वैसा मुंह बनाओ ना जैसे गाड़ी से उतरते हुए बनाया था, अब क्यों मुंह बदला आपने? हम लोग गाइस खाने पीने आए हैं तो मैं मम्मी पापा को लजीज लेके आई हूँ, रसोई सारा वाला लजीज नहीं, हाँ मतलब तो अब चलते हैं। चलो भाई देखते हैं मम्मी और को कैसा लगता है हमारा लजीज। हम लोग गाइस निकल चुके हैं चंडीगढ़ से, ये मम्मी मोटी का हाथ नीचे कर लो, हाँ तो हम निकल चुके हैं गाइस चंडीगढ़ से, अब घर जाके मिलते हैं आप लोगों से, बढ़िया फिर घर जाके थोर को लाते हैं और फिर मिलती हूँ मैं थोर से। चलो गाइस मिलते हैं घर जाके। ले भाई छोटी से मिल रही है मानू, मानू घर आ चुके हैं। ये जब मैं गाड़ी से उतरी थी तब मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली थी, अभी मेरे को भाव नहीं दे रहा, अभी मेरे को दे रहा है। छोटी यहाँ पे दे देना, ओके क्या छोटी मिल ले मानू से, छोटी आजा आजा छोटी आजा 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 बेटा आज ये ले आएगा अभी आएगा खाने के लालच से ना। चलो ठीक है जी, मानू आ गई है और अब घर पे सामान सामान रखने के बाद आजा, 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 आजा। फिर थोर को लेने के लिए जाएंगे, थोर के पापा थोर को लेके आएंगे। ये हमारा हाल इसका, मेरे साथ इसका ये हाल है, थोर आ गया और है ना उसको ना ऐसे रिएक्शन देखेंगे तो मैं छुप रही हूँ। मम्मी हाँ। मम्मी ये लो आप पकड़ो शूट करो मैं आऊंगी। ठीक ठीक ऊपर ले तो मेरे ऊपर आया होगा है मटके। ओए मम्मा का मटकू, ओए मम्मा की मटको, ओए मम्मा की मटको ले मटको, ओए मेरी बेटी, ओए मेरी बेटी को मिल गई रे मेरे को, ओए मेरी बेटू। चलो अंदर आओ अंदर, चलो अंदर अंदर पाँव साफ करेंगे। अरे पापा मुश्किल से मिले तेरे को, मम्मी मुश्किल से मिली है, पापा मुश्किल से मिले मेरी बेटी को। अरे अंदर कौन है रे? अरे अंदर अरे अंदर कौन है भाई? ओए 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 मिले भाई मिले भाई। कल रात को वहां था ना इसलिए रो रहा है, बता रहा है कि तेरी वजह से मेरे को वहां रहना पड़ा है। ना भाई अब कौन छोड़ता है तेरे को, नहीं छोड़ रहा नहीं छोड़ रहा भाई नहीं छोड़ रहा। आए रे लाड कर भाई लाड कर मानो, प्यारी कर भाई थोड़ी को प्यारी कर।
प्यारी कर मैं भी तीछे भाई प्यारी कर मैं भी तीछे अरे आजा बेटा आजा अब बुलाओ अभी आ जाएगा रो मानू के पास रे यहाँ है ये यू बोल रहा चली गई छोड़ के दो दिन में आई थी अब नहीं जा रही हाँ नहीं जा रही ठीक है सॉरी गलती हो गई चले जा जा देख हर जा हो गया प्यार लाइट ऑन करना लॉबी की लाइट ऑन करिए लॉबी की लाइट काफी अच्छा रिएक्शन था ये मुझे पसंद आया आज का रिएक्शन आपको कैसा लगा मम्मी बहुत अच्छा था आज के ब्लॉग का एंड करो फिर दोनों गाइस इसको बहुत दिल के करते हैं। हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। ओके गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और मैं बहुत ज्यादा सांस नहीं आ रहा मुझे। बाय बाय गाइस।